हेलो गाइस, सो द कॉलेज रियलिटी शो के CUET के एक शो के अंदर आपका फिर से एक बार स्वागत है। देन टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट छत्रपति शिवाजी यूनिवर्सिटी, एंड इसके बारे में मेरी टीम ने क्या डिटेल इसके अंदर एनालिसिस निकाला है, क्या सारा सीन है, तो देख लेते हैं। और यार बेसिकली मैं एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ, ठीक है? आई एम ओनली एंड ओनली ए स्पीकर, ओके? एंड ऑल डिटेल्स कंसल्ट एंड एनालिसिस बाय इंजीनियरिंग वाला एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? तो मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे वो कोई स्टार्टअप हो, चाहे वो कोई अदर कंसल्टेंट हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो। मेरे को जो फॉर्मेट मिलता है फ्रॉम द एनालिसिस, फ्रॉम द टीम, फ्रॉम इंजीनियरिंग वाला एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, वो मैं जो है आके बोल देता हूँ, जो भी रियलिटी होती है, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि गुस्सा हो जाएंगे, हाय हाय ये जहाँ भी मिले उसको उड़ा दो, ठीक है? तो इसके पीछे जो है कंपनी अदर है, मैं ओनली फॉर एक स्पीकर हूँ, ठीक है? आप इसका बिल्कुल ध्यान रखें। यार हम बात करते हैं आज शिवाजी महाराजा शिवाजी, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी जो भी है, एंड इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे सबसे पहले अपन। तो यार दिस इज़ एन वेरी न्यू यूनिवर्सिटी एंड दिस इज़ स्टार्ट इन 2018, यानी कि 2018 के अंदर ये कॉलेज स्टार्ट हुआ है। एंड दिस इज़ एन प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड दिस इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC एंड AIU, ठीक है, एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इस्टेब्लिशमेंट इन 2018। इसके कुछ बेसिकली कोर्सेज की अगर अपन बात करें तो दिस इज़ प्रोवाइडिंग इन BTech, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ कंप्यूटर अप्लीकेशन, दिस इज में BS BCA एंड मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि MTech एंड MCA, देन MSc एंड BPlan, BSc एंड अदर कोर्सेज आर प्रोवाइडिंग दिस यूनिवर्सिटी। एंड इसके अंदर कुछ बेसिकली आपको जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लाइफ साइंस है, बेसिक साइंस है, ह्यूमैनिटी वगैरह वगैरह, ऐसा ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा, राइट? सर जैसे कि अगर ये कॉलेज 2018 में स्टार्ट हुआ है, देन जो है इसका आई थिंक जो भी है प्लेसमेंट वगैरह तो सन 2022, यानी कि इसी सेशन में अभी लग रहा होगा, यानी कि जस्ट जो है जुलाई 2022 या फिर अगस्त 2022 या फिर सितंबर 2022 में होगा। एंड अगर अपन बात करें तो तीन साल का जो कोर्सेज था उसका प्लेसमेंट आई थिंक पिछले साल हुआ होगा। सो दिस इज़ द सीन। और अगर अपन बात करें बेसिकली तो यहाँ पे यार उसका उतना ज़्यादा स्कोप है नहीं। एंड इसके अंदर जो बेसिकली एडमिशन जो है अभी तक तो जो भी लोकल बच्चे होते हैं वही एडमिशन लेते हैं। आपको जो है कॉलेज की वेबसाइट पे बहुत कुछ लिख रखा होगा कि यहाँ पे इतना कॉलेजों से टाइप है, इतना एडमिशन प्रोसेस है, इतना ऐसा है वैसा है, लेकिन यार अभी जो है अगर ये कॉलेज 2018 में स्टार्ट हुआ है देन जो क्या सारा सीन है, राइट? 2018 में स्टार्ट हुआ देन इसका फर्स्ट प्लेसमेंट बीटेक का तो इसी साल होगा ना, तो तुम लोगों ने पहले इतनी कंपनियां इतना प्लेसमेंट कैसे करवा दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन ये है मेरा कि ये प्लेसमेंट हो कैसे गया? इन्होंने जैसे अपनी वेबसाइट पर लिख रखा है, जैसे आउटलुक ग्रुप है, जियो है, आइडिया है, रिलायंस है, विप्रो है, HCL है, ओके, एंड कुछ मैनी मैनी कंपनी जिसने लिख रखी है, डाल रखी है वेबसाइट पर, और भी कुछ बहुत कुछ लिख रखा है नीचे, जैसे 250 प्लस कंपनीज विजिट करती है, 50 प्लस ऑफर्ड, 8 लाख प्लस LPA पैकेज, 73% प्लस पैकेज, ठीक है, प्लेसमेंट पार्टनर के अंदर एक्सिस बैंक एंड बे डेवी ग्रुप, बजाज फाइनेंसरी एंड एयरटेल एंड अदर, और जस्ट कॉन्टैक्ट भी दे रखा है TPO@csmu.ac.in। सो यार जस्ट जो है दिस इज ए न्यू टाइप यूनिवर्सिटी, एंड मैंने फॉर्म डाला था स्टूडेंट्स को इसके रिगार्डिंग, राइट? हमारी जो भी टीम है तो हमारे पास जो एनालिसिस आया कि जस्ट लाइक जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट लोकल बच्चे पढ़ाई करते हैं, एंड आप जस्ट यहाँ का जो एरिया है जैसे नवी मुंबई आप मान सकते हो, महाराष्ट्र के अंदर एक कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, उतना ज़्यादा स्कोप है नहीं, प्लेसमेंट उतना अच्छा होता नहीं है, तो जस्ट आप हम अगर इसको ओवरऑल रेटिंग दे तो 10 out of 3 मार्क्स देंगे, एंड दिस इज़ वेरी बैड कंडीशन, प्लेसमेंट इज़ वेरी बैड कंडीशन, कैंपस लाइफ इज़ वेरी बैड कंडीशन। एंड अगर अपन टीचर्स की बात करें तो एक एक टीचर तीन तीन सब्जेक्ट पढ़ाता है, चार चार सब्जेक्ट पढ़ाता है, फर्स्ट सेमेस्टर को जो टीचर पढ़ा रहा है वही जो है फोर्थ सेम वालों को, थर्ड सेम वालों को पढ़ा रहा है, दिस इज़ द रियलिटी, राइट? सो जस्ट इसके बारे में कुछ और भी एनालिसिस आए हैं स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाई ऑल दीज थिंग्स, एंड उनकी जो है कल्चरल एक्टिविटीज एंड अदर दिस इज नॉट वेरी बैड, ओके? एंड आपको वेबसाइट पे बहुत कुछ देखने को मिल रहा होगा, राइट? गूगल पे बहुत कुछ देखने को मिल रहा होगा, लेकिन आप इन सब पे भरोसा ना करें, और बेसिकली आप जो है
ऐसी कॉलेजों के अंदर जाके विजिट करिए, देखिए क्या सारा सीन है, क्या रियल में ऐसा कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या ये लोग पागल बना रहे हैं यार। गूगल पे तो कोई भी वेबसाइट पे कुछ भी जो है वर्चुअल फ़ोटो बना के डाल देगा, क्या सच में ऐसा बिल्डिंग बना हुआ भी है कि नहीं है, क्या सच में बच्चे पढ़ाई भी करते हैं कि नहीं करते हैं, राइट। सो जस्ट आप एक बार विजिट ज़रूर करिए किसी भी कॉलेज के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हैं, उसके बाद जो है आप डिसीजन ले सकते हैं ऐसे प्राइवेट कॉलेजों में। एंड बेसिकली इस कॉलेज की मैं बात करूँ तो यहाँ पर तो जो जस्ट लाइक लोकल बच्चे वगैरह पढ़ाई करते हैं और उतना ज़्यादा जो है नहीं है इसका क्रेज, डिसीजन प्राइवेट कॉलेज। और यार बहुत ही नया कॉलेज है अभी तो, आई थिंक इसका भी टेक अप पहला बैच भी इस बार आउट होगा, राइट। एंड अभी तक इसके अंदर कितने बैच पढ़ रहे हैं, 4 बैच हो गए, ठीक है, 18 बैच, 19 बैच, 20 बैच, 21 बैच, 22 बैच, 5 बैच हो गए, राइट। सो दस जो है इसका ओवरऑल ठीक ठाक जो कंडीशन है वो 2035 तक देखने को मिल रही होगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत ही नया कॉलेज है। तो जस्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप टारगेट कर सकते हो, और ओवरऑल अगर अपन इस कॉलेज को रेटिंग दे तो 10 out of 3 मार्क्स देंगे, दिस इज वेरी बैड। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिशन गारंटेड गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन प्लान इज ऑलरेडी रनिंग, सो यू कैन एनरोल नाउ एंड कॉन्टैक्ट मी, द मोबाइल नंबर अवेलेबल, हेल्पलाइन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच, खूब बढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, धन्यवाद।